हेलो मेरे लवली प्रिंस किड्स, हाउ आर यू? एंड हेलो माय बडीज, हाउ आर यू? आप लोग कैसी हो? हम आज बहुत ही मज़ेदार डाइट टिप्स आप लोगों को बता रहे हैं, डाइट आइसक्रीम, जो बच्चे लोगों को बहुत पसंद आएगा, बड़ों को तो आएगा ही, क्योंकि ये बड़ों के लिए ही बना हुआ है। जैसे मादर इन लॉ, फादर इन लॉ, आप कोई भी रिस्पेक्टेड एल्डर पर्सन है, ये लोगों को खिला सकते हैं, क्योंकि दही में बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है। तो इसे हम हैंग का दही ऐसे बनाएंगे जो डाइट दही आइसक्रीम बनेगा, जो जितना भी क्वांटिटी आप खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें शुगर का चाहे जाएगा में आप ब्राउन शुगर, शुगर फ्री रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम हैंकर्ड चॉकलेट आइसक्रीम बनाते हैं। तो देखिए, ये हम अमूल का मस्ती दही लिया है, ये हो गया आपका शायद 100 ग्राम बट 200 ग्राम, हम मेजरमेंट व क्वांटिटी हम बता देंगे। तो ये पूरा दही को हम कैसे इसका पानी निकलते हैं दिखाते हैं। हम वाइट क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं, हम छकनी यूज़ कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा होल बड़ा हुआ है, जैसे पानी और भी अच्छा से निकल सकता है। तो देखिए कितना पानी मिनटों में निकल गया है। तो अभी इसका अंदर जो पानी है उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, और निकलने के बाद ही इसका ये दही का नाम चेंज हो जाता है, जो बहुत ही डाइट दही नाम से बुलाया जाता है, ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट मीन्स इसमें ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी जो भी ऐड कीजिए, बट ये दही को इसका पानी निकल देते हैं। देखिए मेरा दही रेडी है, छन्नी में जब मूव करते रहेगा इसका मतलब दही हैंकर दही बन गया है। अभी इसको कैसे आइसक्रीम फॉर्म में लाते हैं ये देखिए। दही को पूरा हम डाल दिया है, इसमें वाटर एकदम नहीं है, हमें सिनेमन पाउडर ऐड कर रहे हैं, आप कार्डमम भी यूज़ कर सकते हैं, और वाइट शुगर ऐड कर रही हूँ, तो और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको डेंस बनाना है। और कुछ भी हम ऐड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दही है, खट्टा दही, खट्टा दही के साथ मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, आप अच्छा से जानते हैं। तो देखिए कितना अच्छा से इसको अच्छा से मिक्स करना है। मिक्स करने का बाद एक कपड़ा में ढक के बा किसी भी एक ऊपर में कवर करके इसको फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रीजर में रखने के लिए आपको, अगर रात में बना देते हैं तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या लंच में आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अभी गर्मी का टाइम में और भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए मेरा चॉकलेट सॉस एक घर में बना हुआ है, आइसक्रीम भी टोटली फॉर्म में आ गया है। हम इसको कैसे सर्व करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये आइसक्रीम क्यूब है, इस क्यूब से हम आइसक्रीम को काट के निकालेंगे। एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जितना बना है उससे मेरा 4 पर्शन आसानी से आराम से पेट भर के खा सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम जितना भी हो जितना खाओ मन भरता नहीं है, इससे तीनों का मन भर जाएगा। तो देखिए आइसक्रीम सर्व कर दिया है, अभी हम इसमें चॉकलेट सॉस सर्व कर देते। दोनों ही घर के बना हुआ हेल्दी माने प्रोडक्ट है, जो इसको बिजनेस के रूप में भी आप ले सकते हैं। और ये जो रेसिपी आपको दिखाया है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही कमाल का आइसक्रीम है, और ये जो हम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल कल्पना डाइट टिप्स एंड ब्लॉग्स, और लाइक एंड शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन, बाय बाय। Bye.